बन दे तुम्हारा देवता, बन दे तुम्हारा। पूज श्री गुरुदेव सीरत ध्वज का कोटि साहब प्रणाम प्रणीत हो, स्वीकार करें स्वीकार करें। राजेंद्र आपका अखंड कल्याण हो। कहो कहो राजेंद्र, आपने मुझे किस लिए याद किया? पूज श्री गुरुदेव, आपके बुलाने का बस एक ही प्रयोजन है। देखो देखो न रंगशाला अंतर्गत सभी महिपालों का भूपालों का आगमन हो गया है, परंतु अभी तक वो नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और ध्यान दे, इसी सुंदर प्रस्तुति में प्रभावित हुए विकास राजपूत फाटक वाले और धीरू भाई, इनकी ओर से 10 प्रसोद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में और 10 प्रसोद्राएं रोलेक्स अभिषेक 112 इनकी ओर से जनक जी के चरणों में साधु भाई। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वेद माता गायत्री के परम उपासक, वेदों के दृष्टा, तम के तत्वदर्शी, विराटों के महर्षि, सृष्टि की द्वितीय युगल कुमारों का आगमन नहीं हुआ है। पूज श्री गुरुदेव, हम चाहते हैं गुरुदेव कृपा, गुरुदेव कृपा कारी मुनि वारुसे पहले प्रणाम जाकर के उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कह देना, उसके पश्चात फिर मेरा हाँ, फिर मेरा निवेदन कहे कहे के चलने का पुनी आग्रह करना और कह देना जाकर के कहना तो राज हूं गुरुदेव चले जाए ममे पूज चले जाए। आप जब सुंदर सदन पहुंच जाएं तो एक छोटी सी याचना है, याचना मैं पूज चले जाए।
सुंदर सदन पहुंच जाएंगे, श्री विश्वामित्र जी का दर्शन करेंगे और साथ में दोनों युगल कुमारों का दर्शन करेंगे और हम अपनी मिथिला में अपनी पलक पौड़ी बिछे हम पालिकानु डगरी बुहारी रही हम पालिकानु डगरी वो सुंदर सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंदों के आनंद दाता, क्योंकि जो आनंद देते हैं, ध्यान देना सज्जनों, जो आनंद देते हैं वो आनंद कंद हैं और लीला रचाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र हैं। हम पालिकानु डगरी बुहा निहारी रहे दो राज कुंवर संग मखी पावन दर्शन को आवे गुरुदेव चले जाए मम पूज चले जाए। अब आप अधिक विलंब ना करें, अति शीघ्र सुंदर सदन की ओर प्रस्थान करें। राजेंद्र आप धैर्य धारण करें, मैं आपके पूज देवता लाने के लिए सुखद सदन प्रस्थान कर रहा हूं, जब तक आप अन्य कार्यों को देखें। अहल्या सुकुमार सत्यानंद जी आने का कारण कहो। प्रथम तो गुरुदेव आपके कमलस रूपी चरणों में सत्यानंद का प्रणाम स्वीकार हो, और इस समय में मिथिला से आ रहा हूं। प्रथम तो महाराज विदेहराज जी ने आपके कमलस रूपी चरणों में प्रणाम कहा है और अंत में एक छोटी सी विनय भी की। विनय अवश्य सुनना चाहते हैं, कौन सी विनय की? जनक विनय तेने आज सुनाई कि मिथिला में आज महामंगल गुरुदेव कि मिथिला में आज महामंगल
बतलाए निज करता सकल लेख बेको और गुरुदेव आज स्वयंवर का अंतिम दिन भी है अच्छा। कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का क्या किया है बेदी पर शिवधन धरी वाया है मुनिराज कृपा करके चलिए भूपति ने तुमको बुलवाया है ठीक कह रहे हो महाराज सत्यानंद जी अगर ऐसी बात है महाराज जनक ने हमें बुलाया है तो हम अवश्य चलेंगे और राजपुत्रों के साथ चलेंगे हर से बोले।